बैठिए ना, हो तो ही अच्छा है। भैया सांबा है क्या? नहीं है ना? नहीं है सांबा घर पे? नहीं है भैया। भैया वो नहीं है, उसको बाद में देख लेंगे, चलो हम लोग चलते हैं। ये कौन है? सांबा की आइटम है, उसको देखना मत, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ए, लड़की को उठा लो। अरे बाप रे, गया कहाँ? अरे ये सब क्या हो रहा है? लड़की को उठा लेंगे तो सांबा अपने आप चला आएगा। जरूर आएगा। नमस्ते मालिक। नमस्ते। आप मुझे यहाँ पर लेकर क्यों आए हैं? तू घबरा मत, सांबा को बुलाने के लिए तुझे यहाँ पकड़ के लाया हूँ। तू चिंता मत कर, एकदम चिंता मत कर, समझी? सिस्टर कैसी हो? ए तुम लोग क्या देख रहे हो? मुंह उधर करो, चलो। ए तू क्या देख रहा है? लड़की के ये देखने की चीज है क्या? चल उठ। समझते नहीं? सांबा को पता चल गया ना तो सबके टुकड़े टुकड़े कर देगा। सिस्टर लो ये पी लो, ये ब्रांडी नहीं है सिस्टर, इसे खास करके ज्यूस सेंटर से आपके लिए लाया हूँ। यहाँ आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा सिस्टर। सिगरेट पी सकता हूँ क्या? नहीं नहीं, आपको मैंने आज तक जिंदगी में किसी से विनती नहीं की है सिस्टर। सिस्टर सांबा से मेरी शिकायत मत करना सिस्टर। क्यों, सांबा से डरते हो? बिल्कुल, बहुत डर लगता है। क्यों सिस्टर? मुंबई में अनटॉप हिल इलाका पता है? जानती हूँ, मैं उस इलाके का दादा हुआ करता था। पब्लिक मेरे नाम से थर थराती थी, पुलिस को इतनी इज्जत नहीं मिलती थी जितना कि मुझे मिला करती थी। वही मैं जब वाइट शर्ट और जीन्स पहनकर मैं मार्केट में निकलता था तो लोगों की बोलती जो देखो। ए, कौन हो तुम? अरे बाप रे, कितनी सुन 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 सुन, कितनी सुंदर लड़की हो तुम। मैंने तो सोचा भी नहीं था, मैं तो शॉक्ड रह गया। मेरी मेरी तो जबान से आवाज ही नहीं निकल रही। तुम जाओ। मैं कितनी जाओ यहाँ से। 2-4-3-4-3 यही बोली थी ना? आ जाओ, आ गया। मजाक किया था, तुम जाओ यहाँ से। कितनी नादान बनती है, तुम्हें तो सब कुछ पता है ना? जाओ मेरे पास मत आना। शर्ट पहनकर मैं कुछ नहीं कर पाता, इसलिए उतार रहा हूँ। दरवाजा खोलो, यहाँ अंदर क्या चल रहा है? दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो भाई, अंदर क्या चल रहा है हिंदी में? तेरा मजा मैं पूरा करता हूँ, चला जा। अच्छा चिल्ला चिल्ला, मैं मजाक नहीं करूंगी, जाओ तुम यहाँ से। अच्छा क्या हो रहा है, अंदर क्या चल रहा था? ये मैडम, उधर मेरे कपड़े उतार दिया, इधर अपने कपड़े उतार लिया। इसे लॉज समझ रखा है क्या? ठीक है, ये लॉज लगता है क्या हिंदी में? मेरी कोई गलती नहीं है, यहाँ आने का शौक नहीं है, इसी ने फोन करके बुलाया, इसी से पूछ लो। संध्या क्या ये सच है? मैडम वो देखो, हमारे देश में औरत की बहुत इज्जत की जाती है, ये फालतू काम करके तुम उसे बर्बाद मत करो, मजाक करो पर मजाक मत बनो, याद रखना। नमस्कार मैडम, मेरा नाम है शांबा, शांबा शिवारेटी। सबक सिखाने का तरीका गलत था, इसकी माफी चाहता हूँ, चलता हूँ। कल सुबह तक हॉस्टल खाली कर देना, समझ गई? कल सुबह हॉस्टल खाली कर देना, समझ गई हिंदी में? वर्दा मुंह बंद रख। वर्दा मुंह बंद कर, नहीं आइए मैडम। कौन था वो इतना हंगामा मचा दिया? ए उसे कुछ मत कहना, उसके बारे में तुम लोग कुछ नहीं जानती। He's a great man। तुम उसको जानती हो? जानती हूँ, वो गरीबों का मसीहा कहलाता है। ले जाओ। हाँ लेकर जा रहा हूँ, इधर से ऑर्डर आ गया, उधर से ऑर्डर आ गया, लेकर जाना ही पड़ेगा। हाँ लेकर जा रहा हूँ, और क्या कर सकता हूँ, ऑर्डर तो मानना ही होगा। रेस्पेक्ट, इज्जत, इधर सब लोग मुझसे इज्जत से बात करते हैं। हाँ। जी लगाकर बात करते हैं, कोई अरे कहकर बुलाता है तो मेरा खून खोलने लगता है। ऐसा क्या? कम से कम इस एरिया में तो इज्जत से बात कर सकती है। रसोई घर कहाँ है? रसोई में तुम्हारा क्या काम है? गृह प्रवेश किया है ना, दूध उबालूंगी फिर उसका खीर बनाऊंगी। क्या खीर? नहीं, हमारे सांबा को दूध खीर पसंद नहीं। देखो ये खीर कोई मामूली खीर नहीं, ऐसा खीर बनाऊंगी कि सांबा उंगलियां चाटते रह जाएंगे। मैं उसको अच्छी तरह जानता हूँ, वो खीर नहीं खाएगा। तुम चैलेंज करते हो? ठीक है, मैं हार गई तो तुम्हें लिप्टी लिप्टिस दूंगी, तुम हार गए तो तुम मेरे सारे कपड़े धोगे। ओके देन? तुम्हें पहने हुए कपड़े समेत धो डालूंगा। लाइफ बॉय से मुंह धोकर क्लोजअप से दांत धोया है, किसके लिए रेडी होना? ओ मेरे सपनों के राजकुमार, जरा अपनी लुंगी को संभालो। एक बात बोलूं, तुम में थोड़ा शर्म कम है ना? मर्दों के बीच शर्म आना चाहिए, वो लोगों के बीच में नहीं। तुम्हारा मतलब मैं डरा हूँ? यस।
मैं सांबा को खीर देकर आती हूँ। जा बच्ची जा, तेरी एंट्री और एग्जिट एक साथ। यांडी एंट्री दे पायसम पायसम ने दिनु ये मामूली खीर नहीं है, स्पेशल खीर है। स्पेशल खीर है? हाँ। दिखाओ। चलो धो। ये तेरे अकेले के कपड़े हैं या पूरे हॉस्टल के कॉन्ट्रैक्ट हैं? ये सब मेरे हैं। क्या ये भी मुझे धोने हैं? कोई जरूरत नहीं, इसे मैं तुम्हारे गुरु से धुलवाऊंगी। पंगा भी लिया तो मेरे गुरु के साथ? गुरु को जानती नहीं, तुम्हें धो डालेगा। नो नो, अरे बाप रे, अरे रुक जा, अरे रुक जा, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, अरे रुक जा। अरे भगवान, क्या हुआ रे? ये कोई भूत थोड़ी है, फोन की घंटी है, उठा क्यों नहीं रहे? हाथ मत लगाना, तुम्हें फोन की घंटी सुनाई पड़ रही है मगर मुझे हॉरर सुनाई दे रहा है। क्या बात करता है? हाथ लगाओ वरना जिंदगी में कभी। अरे चल हटना, उठाने दे। अरे हेलो हेलो 24343? यस 24343, क्या चाहिए? मुझे आप चाहिए। मैं? किस लिए? दिल में आप ही आप हैं। अच्छा, दिल के अंदर बहुत अरमान है, सीधे सीधे बोलना क्या चाहिए। आप आएंगे ना? ऐसा मौका कौन खोना चाहेगा डार्लिंग, जरूर आऊंगा। भाई बैठो। रात में 11 बजे लेडीज हॉस्टल में बुलाया है ना? हाँ भाई। दरवाजे से पलटते ही रूम नंबर 12 होगा, ऐसा बोला है ना? अरे बिल्कुल भाई, तुम्हें कैसे पता? अरे भाई, वहाँ पर बड़ी बड़ी लोडेड लॉरियां होती हैं जिनमें कोई ब्रेक नहीं होता, इंसानों के ऊपर डायरेक्ट चढ़ जाती है। उन गाड़ियों को ब्रेक कैसे लगाया जाता है मैं अच्छी तरह जानता हूँ। सो जा बच्चे। अरे कौन है वहाँ? हिंदी में कौन है वहाँ? भोजपुरी में? मैं आपका वॉचमैन वरदराज। ऑल लैंग्वेज। अब आएगा मजा। बताता हूँ, एक एक की छुट्टी कर दूंगा। क्या हुआ? अभी तक मैडम के रूम से कोई आवाज नहीं आई, कहीं अंदर कुछ हुआ तो नहीं होगा? हाँ? तुम दोनों जाओ, जाकर देखो। चलो, चलो। ये दोनों भी वहां जाकर बैठ गई, कहीं ऐसा तो नहीं दोनों आपस में मिल गए? हाँ?